पेपर लीक हो गया। पिछले 70 सालों में ये पैदा हुए हैं माफिया। साथ ही साथ AK मिश्रा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और तमाम न्यूज चैनल्स पर अपनी बेबाक राय रखते हैं और इनकी राय बेहद महत्वपूर्ण खासतौर पर ऐसे विषयों में, हमने आज इन्हें भी खास तौर पर आमंत्रित किया है। बेहद AK मिश्रा, मैंने तो इनसे पूछा कि ये कैसा राम राज्य है जहां पर रावण जो है वो पेपर का हरण कर लेता है और फिर हम कहते हैं कि देखिए पेपर निरस्त करना पड़ेगा, बच्चे परेशान होते हैं। तो मैंने इनसे ये पूछा कि पेपर ये लीक होता है या फिर किया जाता है, इस समझ से परे है। चावला जी, देखिए आपके सवाल वाकई में बड़े जेन्यून थे और किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात हम नहीं करेंगे। एक लंबा इतिहास रहा है, ये काला अध्याय रहा है, बहुत पहले से ही पेपर वगैरह यहाँ पे बहुत सारे लीक होते रहे हैं। मैं आपको एक चीज ये बताऊं, ये पेपर लीक हुआ अभी जस्ट पहले हफ्ते 10 दिन पहले बंगाल में था, वहां पे ये हुआ कि भाईजान पूरे भर लिए गए या एक धर्म या संप्रदाय विशेष के लोगों ने ही अप्लाई किया कुछ बुरका पहन के। वहां पे तो सरकार ने कुछ संज्ञान नहीं लिया, बच्चे कोर्ट में गए, कोर्ट ने लिया। अब मैं आपको बताता हूँ राम राज्य का, तो डेफिनेटली राम राज्य है। रावण ने तो हरण नहीं किया लेकिन खर दूषण को भेजा था, और राम राज्य में यही तो होता था, जब खर दूषण आते थे तो राम वध कर देते थे, ताड़का आई राम ने वध कर दिया जितने आए। एक चीज और है, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा था, फिर पेपर लीक होगा, फिर एग्जाम होगा, फिर पेपर लीक होगा, यही चलता रहेगा क्या? नहीं साहब चावला जी, ऐसा नहीं होगा। आज के दिन जिन्होंने कार्रवाई देखी होगी ना, कुर्की नीलामी की और बुलडोजर जो गिर रहा था ना, तो आप भाई जान अब्बा जान जितने माफिया है वो तो छोड़िए, पाकिस्तान में भी अगर कोई देख रहा होगा कि पेपर लीक करने का ये परिणाम होता है तो पेपर लीक होना ही बंद हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता, 4 साल में आधा दर्जन पेपर लीक हो गए, ये फिर हैरान। चार साल की बात क्यों कर रहे हैं, हम तो 70 साल की बात कर रहे हैं ना सर। पहले तो ये भी होता साल की बात ना, जैसे चुनाव में टिकट, सुनिए, जैसे चुनाव में टिकट बढ़ते हैं उसी हिसाब से नौकरियों के ये बढ़ते थे। आप एग्जाम दिए हैं, देते रहिए। पहले तो जनरल राज था ना, आपको राम राज्य मिश्रा जी, पहले राम राज्य, किस राम राज्य की आप कल्पना कर रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर भीतर पेपर लीक करने वाले खर दूषण का वध कर दिया गया, उसकी झोपड़ी महल सब कुछ उखाड़ दिया गया। वो वीडियो देखिए कि किस हिसाब से पुलिस मुनादी कर रही है। पहले तो ये भी नहीं होता था, पहले होता क्या था, फर्क देखिए क्या है राम राज्य और रावण राज्य का। फर्क ये है, पहले कोर्ट में जाते थे बच्चे, वहां पैरवी करते रहते थे पैसा लगा करके, फिर भी कुछ नहीं होता था। अब कम से कम देखिए राम राज्य यही है, राम जब राजा थे ना वो स्वतः संज्ञान लेके वेट नहीं करते थे किसी चीज का। राम ने क्या किया, खरदूषण का वध कर दिया, जितने लोग आए वध कर दिया। तो आज ये जो पेपर लीक करने वाले माफिया है कुशवाहा, ये कोई आज की पैदाइश नहीं है। वो किस पार्टी से जुड़े थे, कब की पैदाइश है, किस वर्क कल्चर में उनकी मेंटेलिटी बनी, कितने बार वो पकड़े गए, अब की बार तो पकड़ गए। शायद राम राज्य आ रहा है या उसके स्थापना की कोशिश हो रही है, तभी उनका महल उजड़ गया, अदरवाइज तो वो करोड़ों अरबों कमा के बैठ गए होते। आप को देखिए, जी जी जी, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि आज वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, बता रहे हैं। नहीं मिश्रा जी, तो राम राज्य बता रहे थे और जंगल राज बता रहे थे। एक सेकंड रुकिए ना, मिश्रा जी को लग रहा है कि बहुत एकाएक धड़ाधड़ कार्रवाई हो गई, सारे गिरफ्तार हो गए, सारे अरेस्ट कर लिए गए और पाकिस्तान तक इस कार्रवाई की गूंज है, पाकिस्तान तक। एक सेकंड, जिन्होंने देखा होगा ना, जी जी जी, पेपर लीक अब नहीं करेंगे। जी, मुझे लगता है कि आपने देख लिया लेकिन पाकिस्तान वाले भी देख रहे हैं, लेकिन वरुण गांधी बेचारे नहीं देख पाए। वो प्लीज वरुण गांधी का ट्वीट, एक सेकंड मिश्रा जी, कितना डिफेंड करोगे, एक सेकंड। AK मिश्रा जी के मुताबिक पाकिस्तान में गूंज हो रही है इस कार्रवाई की, और अगर हो रही है तो 4 साल में जो कार्रवाई हुई उसकी गूंज क्यों नहीं सुनाई दी? और हर बार AK मिश्रा साहब हर बार जो है ये गूंज सुनाई क्यों नहीं दी? और वो पेपर लीक करने वाले, वो गैंगस्टर माफिया, वो तख्ती लगा के क्यों नहीं घूम रहे थे 4 साल में? देखिए चावला जी, मैं आपको बताऊं, आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, डिबेट राम राज्य ओरिएंटेड हो रही है। तुलसीदास का आप चौपाई पढ़िए, बिना कमाने के जले थिजड़ गए 3 दिन बीत, जो आप बोल रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों में क्यों नहीं हुआ, भाई राम ने पहले प्रार्थना की,
ऐसे ही यहां पे हुआ। अच्छा, पहले प्रार्थना की गई भाई अपराध छोड़िए ये छोड़िए, नहीं हुआ तो आज आपने देखा बुलडोजर चला, कुर्की नीलामी हुई। और एक चीज और बता दूं, पाकिस्तान मीडिया आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं, मैं अपने दुश्मनों को ज्यादा ऑब्जर्व करता हूं। पाकिस्तान मीडिया भारत में क्या होता है इन सब चीजों की वहां ज्यादा गूंज है, हमने क्या किया क्या नहीं। और एक चीज और पाकिस्तान मीडिया भी बताता हूं मैं, जिसने 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 आज की प्रक्रिया देखी होगी, राम राज्य ऐसे ही तो स्थापित हुआ था, अभी खरदूसर आए हैं, फिर मामा मारी चाहेगा उसका भी वध होगा, अगली बार परीक्षा होगी, फिर आप जरा लीक करवाइए और फिर देखिए, फिर कुंभकर्ण आएगा और अंत में रावण को भी निकाल करके वध किया जाएगा। अच्छा, अच्छा। तो प्रक्रिया तो राम राज्य को स्थापित कर आप लीक करवाते रहिए और देखिए क्या होता है, सारे रावण के लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा, वध किया जाएगा। मैं तो बोलता हूँ तो अगली बार परीक्षा हो फिर आप लीक करवाइए और देखिए क्या होता है। वरुण गांधी को ये क्यों लगता है छोटी मछलियां, तो बड़ी मछलियां तो ऐसे ही निकलेंगी। देखिए वरुण गांधी ने जो बोला कि राजनीतिक प्रश्न है, पता नहीं उन्होंने ये नहीं लिखा सपा का है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, किसका राजनीतिक प्रश्न है ये एक क्वेश्चन। रही बात छोटी, हर दूसरे सबसे छोटी मछली है निकला, उसका देख लिया राम राज्य में क्या हुआ, तो आपको क्या लग रहा है रावण कौन मारी जाएगा उसका भी देख लीजिएगा, कुंभकर्ण का भी देख लीजिएगा और अंत में रावण निकलेगा। अच्छा, और उस रावण का भी जो हर्ष होगा, राम राज्य की स्थापना तो ऐसे ही हुई थी। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान आज अगर प्रक्रिया हो रही है तो इसमें संतोष दिखाने की बजाय जो वर्षों पुरानी एक कलुषित मानसिकता और सिस्टम डेवलप है, ये माफिया कौन है भाई, ये 4 साल में पैदा हो गए हैं माफिया, ये पिछले 70 सालों में ये पैदा हुए हैं माफिया। जब सचिवालय से पेपर लीक होने लग जाए तो सवाल खड़े होते हैं, मैं बताता हूँ। एक सेकंड, आरोपियों की तस्वीरें दिखाइए, एक सेकंड, एक गुस्सा मत होइए, आप पाकिस्तान का जिक्र ले आए तो फिर मैंने पहले ही बोला था पाकिस्तान में गुस्सा नहीं हो रहे हैं चावला जी, हम क्यों गुस्सा होंगे, आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, हम तो मुस्कुरा रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें देखिए, एक सेकंड, मुझे पता है राम राज्य की स्थापना हो रही है, अगली बार पेपर लीक हो आप फिर पेपर लीक करवाइए और देखिए क्या होता है। एके मिश्रा जी, मैं क्यों पेपर लीक करवाऊं, जो करवा रहे हैं उनका शक्ल दिखा रहा हूँ, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप इतना फेवर ले रहे हैं तो पाकिस्तान का जिक्र किया, आपने पाकिस्तान तक गूंज हो रही है कि क्या कार्रवाई की है। अब देखिए जिनके नाम है, नाम अनुराग, धर्मेंद्र, मनीष, रवि, रोशन, महेश, रमेश, संदीप, ये तमाम ऐसे नाम हैं। और ये नाम मैं क्यों दिखा रहा हूं, मिले सर, सरकार ने दिए हैं कि आपने खुद ढूंढा है। एक सेकंड, अब देखिए एके मिश्रा, देखिए एक सेकंड रुक तो जाइए, एके मिश्रा क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, एके मिश्रा प्लीज इतना परेशान हो रहे हैं। अब ये इनमें से तो ये सारे संदीप द्विवेदी राष्ट्रद्रोही हैं, प्लीज संदीप द्विवेदी को लाइए, ये सारे राष्ट्रद्रोही हैं कि नहीं। देखिए राष्ट्रद्रोही है नहीं है आपका निर्णय है, लेकिन नहीं, मेरा निर्णय नहीं है, आपने तस्वीरें जारी की है तो पूछ रहा, ये राष्ट्रद्रोही है कि नहीं। देखिए राष्ट्रद्रोही है या नहीं है वो आप डिसाइड करिए, प्लीज एक सेकंड, ये राष्ट्रद्रोही जरूर है, इन छात्रों के साथ जरूर इन्होंने अन्याय किया, अच्छा ये राष्ट्रद्रोही नहीं है, अगर इनमें से अमीर सलीम होता तो फिर राष्ट्रद्रोही होता है, नहीं तो वो पेपर थोड़ी लीक करता, वो छोटे छोटे टुकड़ों में काटता, सूटकेस में बंद करता और कहीं दफन कर देता, आप इतनी छोटी उम्मीद क्यों करते हैं। ओके ओके ओके, आप समझ में आया, आप पाकिस्तान तक आप इतनी छोटी उम्मीद किए बैठे हैं। एक सेकंड, आप समझ में आया, तिलक जी राम को भी रामराज स्थापित करने में राक्षसों को मारने में 14 साल लगे थे, अगर अगर आप रीट में राजस्थान में पेपर लीक हुआ, रीट में पेपर लीक हुआ कहां से पता चला आपको, आपको जानकारी है नहीं, क्योंकि वहां कितने गिरफ्तार हुए उस पर आप बात नहीं करेंगे। मिश्रा जी एक सेकंड, ए के मिश्रा जी, यानी आप ये कह रहे कि ये विदेशी ताकतें भी इसमें शामिल हो सकती है ना, अगर पाकिस्तान का जिक्र विदेशी ताकत भी, अगर अमीर सलीम सुनेर होता तो विदेशी ताकत होती, नहीं नहीं हजारों साल का इतिहास है, विदेशी ताकतों की बुरी निगाहें तो भारत में रही हैं। अच्छा ये पेपर लीक करने में विदेशी ताकत थी, उसके लिंक कहां से कहां निकल आते हैं। ओके आप मुस्कुरा क्यों रहे चंद्रमोहन शर्मा जी, विदेशी ताकत थी अभी, मैं तो सिर्फ आरोपियों के चेहरे नाम दिखाए, आप नाराज हो गए के मिश्रा जी, मैं तो सिर्फ नाम दिखाया, आप ही कह रहे थे ना कि आपके पास कहां से आए, मैं तो वही दिखा रहा हूँ जो मेरे को सरकार ने दिए। कुछ भी हो नाराजगी ये है कि अभी आजम खां का नाम क्यों नहीं आया इसमें, पता चलेगा इन सबके ऊपर जो मुर्गा है वो आजम खां ही थे, या वो कोई अतीक अहमद थे, या कोई सलमान शर्मा थे। चंद्रमोहन शर्मा, फिर अरविंद कठेरिया आपके पास आ रहा हूँ, भारत में
एके मिश्रा जी हो गया, अब मैंने बता दिया अंदर को जो मार कुछ करते रहे। एके मिश्रा जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं आंकड़ों के जरिए बात करूंगा, फिर मैं आंकड़ों के जरिए बात करूंगा। ओके एके मिश्रा एके मिश्रा पाकिस्तान लेकर आएंगे, मेरे पास इसके बाद 4 मिनट बचेंगे, फिर मैं आंकड़ों से बात करूंगा। एके मिश्रा पाकिस्तान लेकर आएंगे, अब देखिए कैसे एग्जाम में अच्छे नंबर लाए, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था दिल्ली के स्कूलों में, बच्चों को टीचर बता रहे थे आपको आंसर कैसे करना है, आपको नंबर मिल जाएगा। मिश्रा जी एक सेकेंड अरविंद कठेरिया एक सेकेंड प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ जिन्ना जिन्ना करने से क्या होगा, पाकिस्तान जिन्ना अब्बा जान भाई जान करने से क्या होगा, यही तो राष्ट्रवाद है, इस पर चर्चा करो रोजगार पर। अरविंद कठेरिया का ऑडियो, सिर्फ एक सेकंड अरविंद कठेरिया चुप हो जाइए, एक सेकंड प्लीज एके मिश्रा का ऑडियो। ये वो सरकार कर रही है, समाजवादी पार्टी के सरकार में जो योजनाएं प्रदेश को दी गई थी। एके मिश्रा आपका नाम, अरविंद कठेरिया जी प्लीज आप सुन लीजिए ना एके मिश्रा साहब को, प्लीज मिश्रा जी कंटिन्यू। अरे देखिए कठेरिया जी को कुछ मत बोलिए, वो समाजवादी पार्टी के हैं, मसी कागज छुयो नहीं वाला उनका सिद्धांत है, तो उनको पता नहीं चलता नाम किसका है किसका नहीं। मिश्रा जी मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो शिक्षा माफिया है, 4 साल पहले हमारी सरकार में दी गई है, सरकारें जिसकी भी रही हो उन्होंने बनाए हैं, किसी न किसी लेवल हमारी सरकार में आदतें जा नहीं रही है, फेडरेशन हो रहा है, पेंशन भी आप उनको पेंशन में उधार कर पाए, इस चीज का है कि 24 घंटे सरकार में जो लोग बुलडोजर चला जो लोग उसको देख रहे होंगे डर के मारे इस चीज के लिए एप्रिशिएशन करना चाहिए। आप डिबेट डिरेल कर रहे हैं, अगर कोई अरविंद कठेरिया आप डिबेट डिरेल कर रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए प्लीज, ऐसे ऐसे नहीं अरविंद कठेरिया, आपको मालूम है मैं ऐसे चर्चा नहीं करता,